चलो प्रेपरेशन ऑफ हैलोगेंस पहली सेक्शन फ्रॉम अल गोल्स कितनी सेक्शन इसके अंदर चार ठीक है तो ऐसे ही फ्रॉम अल गोल्स पहली सेक्शन है एच एक्स के साथ लिखो बाय द एक्शन लिखना नहीं सुन लो पहले बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स इसमें क्या होता है CH3CH2OH में हमने HX ऐड करना है ज्यादातर आपको ऐड करने को मिलेगा HCl ठीक है समझ आया ये रिएक्शन होती है ZnCl2 की प्रेजेंस में ठीक है ZnCl2 होता है लुईस एसिड ये क्या करता है फिर मैं बताऊंगा ठीक है क्या हो क्या बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस HCl H2 ठीक है अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तभी Cl लगेगा है ना इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ZnCl2 इसके साथ 48 बॉन्ड बनाता है ठीक है तो ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी कम होती है वो फिर कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है समझ आया पर्पस ऑफ ZnCl2 इज टू क्लीव द CO बॉन्ड ठीक है बीइंग लुईस एसिड इट कोऑर्डिनेट्स विद द ऑक्सीजन एटम एंड दैट हेल्प्स इन द ब्रेकेज ऑफ क्लियर क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड क्लियर ठीक है ये रिएक्शन लिख लो जल्दी जल्दी ZnCl2 का फंक्शन ना बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ डब्बे में डाल के तो वह आप पढ़ सकते हो ठीक है ओके आपको भी मेहनत करनी साथ में तभी चैप्टर होएगा मैं अकेला नहीं ना करा सकता ठीक है HCl के साथ रिएक्शन होगी अगर 2 डिग्री हुआ तो तब भी ऐसी होती है लेकिन जब 3 डिग्री हो तब क्या होता है यहाँ पे क्या है OH अब तो ये कार्बोक्टाइन 3 डिग्री बनेगा ये स्टेबल है ना तो अब हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं है इफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर क्या बन जाएगा CH3 इधर Cl बन जाएगा H2 ठीक है समझ आया इसका मैकेनिज्म देख लो इसका मैकेनिज्म तो अलग ही बिल्कुल अलग है बाकी से ये पहले ये प्रोटोनेट होगा एच पॉजिटिव अटैक करेगा है ना दादी जी गर्म चाहिए गर्म सुना दे यू अरे हेल्प करो इसको कर लो पॉज कर दो कर दे दो बंदों में फोटो खींच गई ओ गोली ये पॉजिटिव चार्ज आया ठीक है कार्बोक्टाइन बन गया कार्बोटाइन बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं इसको यहां से ये बाहर निकलेगा कार्बोटाइन बन जाएगा ठीक है समझ आया CH3 मैं ना इसी स्टेप में कर रहा हूँ माइनस H2 अगले स्टेप में CN लेके इस पे अटैक कर देगा ठीक है आयरन ये था इसका मैकेनिज्म ये था SN1 मैकेनिज्म अगर SN2 होता मान लो ये 1 डिग्री होता है ना तब क्या होता पहला स्टेप सेम रहता ये बन जाता सेकंड स्टेप में इसके बॉन्ड ये तब बाहर जाता जब दूसरा अटैक करता SN2 का मैकेनिज्म होता है आपने पहले पढ़ा होगा SN2 थोड़ा समझ आया होगा क्या बोल रहा हूँ ठीक है साइमल्टेनियस अटैक होता है क्लियर पता है ना सबको ठीक है चलो ये नोट कर लो बच्चे समझ आया साथी समझ आया यस सर ओके वो उसको मैसेज कर दो श्रुति को कैरी करो ऑनलाइन लगा दो हाँ जी बच्चे हाँ जी बोलो तुमको कॉल करा था उसने कॉल काट दिया ओके सी कोई बात नहीं बंदा आ गया आ गया लग रहा है
चले आगे। यस, ये थी पहली रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन की हमने प्रिपरेशन रिएक्शन एलोकेन की एचसीएल के साथ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे फास्ट होता जाऊंगा, ठीक है, बुलेट ट्रेन में घुमाएंगे आपको। सेकंड रिएक्शन कौन सी? PCl3, ठीक है। CH3CH2OH आप वो ऊपर लिख सकते हो, लिखना बाय रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स, ठीक है। सेकंड रिएक्शन CH3CH2OH प्लस PCl3। मेरी बात सुनो, इधर देखो, जब यहाँ पे 3 होगा मतलब कि PCl3 होगा, यहाँ पे 3 कर देना, ठीक है। क्या बन जाएगा? 3CH3CH2Cl प्लस तीन H बचे, तीनों बचे H3PO3। ये डायबेसिक होता है, ये 2H पॉजिटिव देता है, पता है आपको। वेंट ऑफ फैक्टर आना नहीं है, और P ब्लॉक में से ये टॉपिक भी हट गया ऑक्सो एसिड वाला, ठीक है। नहीं तो ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन था, पेपर में हर बार आता था। इसका वेंट ऑफ फैक्टर भी निकालना आता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी आता है H3PO3, कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, डबल बॉन्ड OH OH एक H ना इसके साथ होता है, ठीक है। इसलिए ये डायबेसिक है, डायबेसिक मतलब 2H पॉजिटिव देता है, एक ये H जाएगा, एक ये देखने में H3 है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे H3PO4 है, 3H तीनों बार, H2SO4 2H दोनों बार, इसमें 3 H है लेकिन बाहर कितने निकलते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। चलो आगे। हाँ जी श्रुति, साक्षी आ गया था ना श्रुति? बच्चे टेस्ट आपका वेडनेसडे होगा, ठीक है, आपको शेड्यूल मिल जाएगा, टेस्ट विल बी ऑन वेडनेसडे। कल नहीं होगा, उसके लिए मैं कल परसों के लिए काम दूंगा आपको, ठीक है। चले आगे। आगे PCl5। जब PCl5 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, एक प्रोडक्ट तो यही बनेगा CH3CH2Cl, इधर रहेगा कॉमन CH3CH2Cl प्लस एक यहां से H, एक यहां से Cl, HCl। मेरे पास तीन क्या बचे? क्लोरीन है ना, एक फास्फोरस बचा, एक ऑक्सीजन बचा, क्या बन गया? POCl3, ठीक है। अगली रिएक्शन भी देख लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड एसोसिएटेड टू यस सर CH3CH2OH प्लस एसोसिएटेड, क्या बन गया? इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन होती है रिएक्शन, तो इतना है जरूरी नहीं है, पिरिडिन की प्रेजेंस में होती है, बेस को जानिए क्या बन जाएगा CH3CH2 प्लस HCl, ये दोनों गैसेस होती हैं, इसलिए बेटर मेथड होता है, ठीक है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हैलोजन। जल्दी लिखो, चले आगे। चलो आगे लिखो, सेकंड मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाँ जी सर, आपकी आवाज कट गई है। आवाज कट गई मेरी, देखना अब अगर कटेगी बताना। वाईफाई चलाया ना, नेट चलाया। चलो बताना अब, बच्चे कटेगी बताना, ठीक है। और तो नहीं गए डाउनलोडिंग मशीन में, मजाक कर रहा हूँ। चलो हैलोजेंस एंड हैलोरिंस प्रिपरेशन रिएक्शन पहली होगी, दूसरे वैसे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन लिखो, हाइड्रोकार्बन सबसे पहले लिखो फ्रॉम एल्केन्स। श्रुति ठीक है बच्ची? अब ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है, और ये आगे तक जाती है, ये आगे आगे रिएक्ट होता है CH2Cl2CHCl3CCl4, इसलिए ये मेथड सूटेबल नहीं होता टू प्रिपेयर हैलोकेन्स, राइट।
ये मेथड सिर्फ तब सुटेबल होता है जब हम कोई ऐसा एल्केन लें जिससे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट पॉसिबल हो, इसके साथ के एनसीईआरटी में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उसमें आपको ये मिलेगा कि फॉर एग्जांपल वो कहेगा C5H12 से कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिससे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। सर C5H10 नहीं 12 है, वो 12 10 वाला क्वेश्चन लगा, उसमें साइक्लिक होता है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। नियोपेंटेन, ठीक है, ये क्या है नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन में देखो सारे बॉन्ड्स मिट्टी कलर में, इसमें अगर मैं इसको सीए लगा ले CH3 CH3 नीचे CH3 इधर CH2 CL आ जाएगा, आया समझ, बस अच्छी है। तो इसमें तो सिंगल प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर मैं मोनोक्लोरीनेशन बोल, इसको बोलते हैं मोनोक्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन मतलब जब आप सिर्फ सिंगल क्लोरीन का टैंक करवाए, ठीक है, आया समझ। इसका एक क्वेश्चन आपको मैं और दूंगा, फिर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, जल्दी नोट करो। हाँ जी आगे बच्चे समझ, श्रुति साक्षी, वेरी गुड। सर इसमें पॉइजन वाला कोई काम नहीं? नहीं इसमें पॉइजन नहीं डालनी। पॉइजन बड़ी पसंद है वो, अरे इसमें पॉइजन डाल दो रिएक्शन खत्म है। सही है जस्टिन, सही है, सही जा रहा है बच्चे। RDX बनाओ, पता ना कैसे बनती है, उसमें है LDH विटामिन। चलो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कौन करता है। हमारे पास एक फॉर्मूला है C5H12, तो ये एल्केन होगा, एल्केन में ये पेंटेन होगा या उसके आइसोमर्स, बस यही होगा। आपको इसके प्रोडक्ट्स बताने हैं जिसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपको कि मोनोक्लोर, इसके जो मोनोक्लोर के प्रोडक्ट्स हैं दो बने, तीन बने, एक बने, तीन। वन मोनोक्लोरो वाला तो मैंने कराई दिया, नियोपेंटेन वन क्लोरो, एक प्रोडक्ट बनेगा मोनोक्लोरो, दो वाला बनाओ, तीन वाला बनाओ। समझ नहीं आया, ट्राई करो समझ आएगा। समझ नहीं आया, बिल्कुल नहीं समझ आया, मोनोक्लोरिक वाला समझ आ गया। हाँ बच्चे एक मिनट रुको, इनको करने दो। वेरी गुड, पेपर में आया था क्या क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की थी? नहीं, ये आता है। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो बोल दो फिर। हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है इसमें क्या करना है, इसमें ना कोई भी बच्चा इसको याद नहीं कर सकता, ठीक है, ना किसी ने करना है ना किसी को जरूरत है। तो फिर आपको करना क्या है, आपको इसके आइसोमर बनाने, ठीक है, आपको आइसोमर बना के देखनी है कितनी पोजीशंस अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन यहाँ पे लगाऊं या मैं यहाँ पे लगाऊं तो एक ही प्रोडक्ट बना, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं दो प्रोडक्ट बने, मतलब कि एक प्रोडक्ट बना, टोटल दो हो गए। अलिन समझ नहीं ना, वेरी गुड। देखो एक ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 CH, सही है। अगर यहाँ पे लगाता है यहाँ पे लगाता है एक ही बात होती है। अब अगर मैं क्लोरीन यहाँ पे लगाऊं, अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे लगाऊं दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा कैसे बनता, अगर मैं यहाँ पे लगाता तब भी दूसरा ही दो ही रहते, तो तीसरा बनता जब जब यहाँ लगाते हम। साक्षी सही है, वेरी गुड, मानन मानन कहना गलत है। चल ये आ गया हमारे पास, समझ आया, ये तीन वाला आ गया, टू वाला स्ट्रक्चर बता सकता हूँ कोई, टू वाला वो आपको आइसोमर बना के देखना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं पता कौन सा है। ब्रांचिंग कर, बिल्कुल करो ब्रांचिंग, कौन मना कर रहा है, ट्राई करो और मेरे को आंसर बताओ। बच्चे आप भी करो, श्रुति आप भी करो, कहा हो आप, खाए नहीं अभी आलू के परोठे, ओके ये मैं रब कर लूं। मेरे को नहीं लगता दो वाला प्रोडक्ट बनना है इसका, इसका दो वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना, इसका चार वाला बनेगा, ठीक है।
नहीं बन रहा तो क्या होगा? कौन सा बनेगा? देखो एक आइसोमर ये बना, एक आइसोमर और बन सकता, बन सकता है। कौन सा? तीन की चेन, ये तो हमने बना ही दिया। न्यू पेंटेन का तो हमें पता ही है, एक स्ट्रक्चर बनने, ठीक है। एन पेंटेन का कितना बना? एन पेंटेन का कितना बना? एक, नहीं एन पेंटेन का तीन बने थे, ठीक है। और एक यही आइसोमर बना, और तो ये आइसोमर नहीं बनते, तीन ही आइसोमर होते हैं इसके, समझ आया? तो दो वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, दो की जगह क्या करते हैं? चार। ये पोजीशन सिमेट्रिकल है, एक ही बात है। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ जी श्रुति आया समझ? इधर देवकरण मजेस्टिक, वेरी गुड, कर लो। फोर वाला लिख लो, कोमल आया ना? थोड़ा सा आया, क्या नहीं समझ आया? पूछ लो, आ गया, गुड। ये हो ना, मैं थोड़ा बहुत चैप्टर, हाँ बच्चे पूछ लिया, टेंशन भी ले रहा दोबारा। तो बच्चे एक सीएल यहाँ लगाओ, एक बटन, अगर यहाँ पे सीएल लगाऊंगा तो इस पोजीशन पे लगेगा ना, तो उसका नाम होगा 2-क्लोरो-2-मिथाइल-ब्यूटेन। दो नाम अगर अलग है तो स्ट्रक्चर अलग है ना। तीसरा यहाँ पे, अब ये मत देखो कि ये बीसीएल सीएच3 है ना, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ पे अगर क्लोरीन लगाऊंगा और एक क्लोरीन अगर यहाँ पे क्लोरीन लगाऊंगा, दोनों स्ट्रक्चर में फर्क है। उसके साथ मिथाइल लगाओ, उसके साथ नहीं लगाओ, ठीक है? आया समझ? नोट कर लो।